sit and find with your family. So today we will learn Hindi subject. और प्रीवियस वीडियो में मैम ने आपको सिखाया था ना आज से यहाँ तक उसका आज हम फिर से रिवीजन करेंगे. ओके, तो सिंग विथ मी स्टूडेंट्स. अ से अनार, आ आ अनार, आ से आम, आ आ आम, ई से इमली, ई ई इमली, ई से ईख, ई ई ईख, उ से उल्लू, ओ ओ उल्लू, उ से ऊंट, ओ ओ ऊंट, री से ऋषि, री री ऋषि, ए से एडी, ए ए एडी, ए से ऐनक, ए ए ऐनक, ओ से ओखली, ओ ओ ओखली, औ से औरत, औ औ औरत, अम से अंगूर, अम अम अंगूर, आह है खाली. तो बच्चों बजाओ ताली. यस, एंजॉय किया आपने? सो अब हम स्टार्ट करते हैं स्वर अ लिखना. हम क्या स्टार्ट करेंगे अब? स्वर अ लिखना. तो हम आज क्या लिखेंगे? स्वर अ. आर यू रेडी किड्स? चलो अ लिखते हैं. ओके, यहाँ मैम ने अ लिखा है. कौन सा स्वर लिखा है? अ लिखा है. सो पहले आपको इसमें ड्रेसिंग करनी है. आपको इसमें क्या करनी है? ड्रेसिंग करनी है, तो ही आपकी ग्रीक प्रॉपर आप लिख सकोगे. ओके, फर्स्ट यू हैव टू मेक थ्री. आपको थ्री लिखना आता है ना, वैसे आप पहले थ्री लिखोगे. ओके, उसके बाद आप ऐसे ज्वाइन करके स्लीपिंग लाइन बनाओगे, उसके बाद ऐसे स्टैंडिंग लाइन बनाओगे और स्लीपिंग लाइन बनाओगे. समझ में आया बेटा? पहले आप थ्री बनाओगे. ऐसे क्या बनाओगे? थ्री. देन आफ्टर यू मेक स्लीपिंग लाइन, देन आफ्टर स्टैंडिंग लाइन, देन अगेन आफ्टर स्लीपिंग लाइन. ये क्या बन गया? स्वर अ. स्वर अ. पहले हमको इसमें ट्रेसिंग करोगे ना, तो आप यहाँ पर परफेक्ट लिख पाओगे. तो पहले आपको 2 मिनट्स तक इसमें ट्रेसिंग करनी है. ओके, सो किड्स, हम इंग्लिश 4 लाइन वाली बुक में लिखते हैं ना, और मैथ्स बॉक्स वाली बुक में लिखते हैं. ओके, और हिंदी हमें 2 लाइन वाली नोटबुक में लिखना है. कौन सी नोटबुक में? 2 लाइन वाली नोटबुक में. सो स्टार्ट करें किड्स, लेट्स स्टार्ट. पहले आपको बनाना है प्रॉपर ट्री. बनाना है क्या? बनाना है प्रॉपर ट्री. आपको आता है ना ट्री लिखना? तो ऐसे आप पहले ट्री बनाओगे, उसके बाद में स्लीपिंग लाइन बनाओगे ज्वाइन करके, और अगेन स्टैंडिंग लाइन बनाओगे, देन अगेन स्लीपिंग लाइन. ये बन गया स्वर अ. ये बन गया स्वर अ. चलो फिर से लिखते हैं. पहले आप बनाओगे थ्री प्रॉपर, देन आफ्टर स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन अगेन स्लीपिंग लाइन. वाओ, ये भी बन गया स्वर अ. अ ये कौन सा स्वर है बेटा? अ स्वर अ. अगेन आपको थ्री लिखना है स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन. स्वर अ, स्वर अ, स्वर अ, स्वर अ. अगेन आपको लिखना है यहाँ पर. ओके, आपको पहले थ्री बनाना है स्लीपिंग लाइन
स्टैंडिंग लाइन अगेन स्लीपिंग लाइन स्वर अ स्वर अ। फिर से आप यहाँ पर त्रिभुज बनाओगे, स्लीपिंग लाइन बनाओगे, स्टैंडिंग लाइन बनाओगे, अगेन स्लीपिंग लाइन बनाओगे, ये बन गया हमारा अ, ये बन गया हमारा स्वर अ। फिर से हम यहाँ पर त्रिभुज बनाएंगे, स्लीपिंग लाइन बनाएंगे और स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, अगेन स्लीपिंग लाइन, विच स्वर इज दिस, स्वर अ, ये कौन सा स्वर है, अ स्वर है। सो किड्स अगेन यू मेक अ ट्री, आपको यहाँ पर ट्री बनाना है, स्लीपिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन, अगेन स्लीपिंग लाइन। आप जब भी स्वर लिखोगे, ट्री लिखोगे, ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन को टच करके ट्री लिखना है, ओके। एंड स्लीपिंग लाइन बनाओगे और स्टैंडिंग लाइन बनाओगे तो ऊपर वाली लाइन को और नीचे वाली लाइन को टच करके स्टैंडिंग लाइन बनानी है और ऊपर स्लीपिंग लाइन टच द बॉटम लाइन को टच करके हमको ये स्वर अ लिखना है, ओके। फिर से लिखेंगे, पहले हमने थ्री बनाया, दोनों लाइन को टच करके स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, अगेन स्लीपिंग लाइन, स्वर अ, स्वर अ, विच स्वर इज दिस, अ। फिर से हम यहाँ पर थ्री बनाएंगे, स्लीपिंग लाइन बनाएंगे एंड स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, बाउ, ये बन गया हमारा स्वर अ। आपको इसी तरह स्वर लिखना है, ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन को थ्री बनाना, टच करके थ्री बनाना है, फिर स्लीपिंग लाइन बनाओगे, फिर स्टैंडिंग लाइन बनाओगे, स्वर अ, ये बन गया हमारा स्वर अ, अ अ अ, स्वर अ अ अ, स्वर अ अ अ। और लिखना, पहले थ्री लिखोगे, उसके बाद स्लीपिंग लाइन बनाओगे, फिर स्टैंडिंग लाइन बनाओगे, फिर स्लीपिंग लाइन बनाओगे, ओके। आपको टच द बॉटम लाइन करके ही परफेक्ट लिखना है, ओके। फिर से अ बनाएंगे, थ्री बनाएंगे, स्लीपिंग लाइन बनाएंगे, स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे और स्लीपिंग लाइन, इस तरह से बन गया हमारा स्वर अ। विच स्वर इज दिस, अ, अ से अनार, अ से अजगर, अ से अदरक, अ से अनार, अ से अजगर, अ से अदरक। सो किड्स इस तरह ही आपको घर पे भी नोटबुक में अ से अनार की प्रैक्टिस करोगे, ओके। सो किड्स नाउ डू वन एक्टिविटी, ओके चिल्ड्रंस। सो हाउ टू राइट स्वर अ, आपको पता है ना, मैम ने सिखाया ना आपको अ कैसे लिखना है। पहले हमको ट्री बनाना है, उसके बाद स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, अगेन स्लीपिंग लाइन, ये बन गया हमारा स्वर अ। कैसे लिखना है हमको स्वर अ, पहले थ्री लिखना है हमको, थ्री बनाना है यहाँ पर प्रॉपर, फिर स्लीपिंग लाइन बनाओगे, स्टैंडिंग लाइन बनाओगे, अगेन यू मेक अ स्लीपिंग लाइन, ये बन गया हमारा स्वर अ, स्वर अ, अ। तो लुक एट दिस पिक्चर चिल्ड्रन, विच पिक्चर इज दिस, डू यू नो, मैम ने सिखाया ना आपको, कौन सी पिक्चर है ये, अ से अजगर, कौन सी पिक्चर है ये, अ से अजगर, एंड विच पिक्चर इज दिस, विच पिक्चर इज दिस, टेल मी फास्ट, यस, अ से अदरक, अ से अदरक, एंड विच पिक्चर इज दिस, अ से अनार, अ से अनार। तो चिल्ड्रंस मैम ने यहाँ पर बॉक्स बनाया है, वहां पर पहले जो मैम ने स्वर सिखाया था वो लिखा है और एक दूसरा स्वर लिखा है, तो हमको ये पहचान के स्वर को पिक्चर से मैच करना है, क्या करना है, स्वर को, सही स्वर को पिक्चर से मैच करना है, ओके। सो विच स्वर इज दिस, मैम ने आपको ये स्वर सिखाया था,
one? Yes. So match it. हमको match करना है स्वर अ से अजगर को. अ से अजगर. अ से अजगर. Now next. Which picture is this? अ से अदरक. तो हमको यहाँ पर स्वर ढूंढ के पिक्चर से मैच करना है. This one is a no. This one yes. So match करो. अ से अदरक को. Yes. Now next. Which picture is this? Kids, which picture is this? Yes. अ से अनार. अ से अनार. So this one is a swan? No. This one? Yes. So match it. Yes. तो enjoy किया आपने? ये एक्टिविटी करके फन के साथ. तो घर पे भी आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी एक्टिविटी करके आपको स्वर अ सीखना है. So now we do swar rhyme. Sing with me, okay children? So let's start. A se anar, a se aam, hote hai sab milkar kaam. E se imli, e se eek, achhi achhi baate si. U se ullu, u se oon, u se ullu, u se oon. Ek ek kar bhar lo bhoon. E se edi, e se ena, e se edi, e se ena. Bhaag rahe dushman ke sena. O se okhri.